मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, तुम ही बताओ। पानी पी लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने, पानी पी लीजिए दिमाग ठंडा हो जाएगा, है ना? और किसी दिन ये पानी पीकर मेरा शरीर ठंडा हो गया ना, तब तुम्हें पता चलेगा। छी छी छी, कुछ भी मत बोलिए जी। अरे सच ही बोल रहा हूँ, तुम्हें तो चिंता है नहीं, घर में बैठी रहती हो, कभी पिया की तरफ देखा है? कितनी बड़ी हो गई है। अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीत रही है। जैसे जैसे पिया की उम्र बढ़ रही है, मेरी चिंताएं बढ़ रही हैं। देखो मीरा, मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर लूंगा। पिया की शादी इतनी जल्दी? जल्दी क्या, तुम क्या चाहती हो? नहीं मीरा, मुझे बताओ तुम चाहती क्या, कि पिया को जिंदगी भर बिठाकर उसे बूढ़ी करना चाहती हूँ? देखो मीरा, मेरी बात सुन लो, मैंने भले जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन थोड़ी सी इज्जत जरूर कमाई है। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं, किसी दूसरे घर की अमानत, तो माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उस अमानत को उसके घर तक पहुंचाए। इसी में सबका भला है, पिया का भी और हमारा भी। हाँ हाँ, पर एक बार पिया से पूछ तो लो। अच्छा, तुम्हारा ना दिमाग घास चढ़ने गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम बोल क्या रही हो? मतलब अब हम अपनी बेटी से उसकी शादी की बात करेंगे तो फिर घर में मां बाप होने का फायदा क्या है? कुछ भी बोलती रहती हो यार। देखो जी, जमाना बहुत खराब है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूं, जमाना खराब है, इसीलिए डरता हूं मैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर कुछ भी कहो जी, हमारी बेटी तो लक्ष्मी है। मीरा, मैंने कब कहा? मैं जानता हूं हमारी बेटी लक्ष्मी है, लेकिन उस लक्ष्मी को उसके घर तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। तो मेरी बात मानो, उसकी शादी कर दो। तुम मुंह बनाओ, तुम्हारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम कर सकती हो, सर फटा जा रहा है, एक कप चाय बना सकती हो, या उसमें भी कहोगी कि ये टाइम है चाय पीने का? गुस्सा क्यों होते हो, बना देती हूँ जी। थैंक यू। यार ये कुछ समझती नहीं है, बेटी बड़ी हो रही है। अरे बाप रे, मेरी प्रोविडेंट फंड की फाइल कहाँ की है? अरे मीरा, मेरी फाइल देखी क्या तुमने?